आज हम नान खटाई बिस्किट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है, ओवन में डालते ही घुल जाता है, साथ ही में क्रिस्पी भी रहता है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, उसमें हम 1/2 कप बेसन डालेंगे और 2.5 टेबल स्पून सूजी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी करीब इलायची का पाउडर डालेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बटर भी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम घी का यूज़ करेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। घी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, 1/2 कप घी है और हम इसे धीरे धीरे करके डालेंगे। हम इसे डाल देंगे और मिक्स करेंगे। हमें इसका एक आटा जैसे गूंथना है। हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका ड्राई रहता है तो आप घी मिला सकते हैं, और बाय चांस आपके घी ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें 1 टेबल स्पून करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। मैंने सिर्फ 1/2 कप घी यूज़ किया था। अब हम इसके पेड़े जैसे बनाएंगे। मैंने इसे एक छोटे नींबू के साइज़ का लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब हम कोई भी ड्राई फ्रूट ले लेंगे। मैंने यहाँ पिस्ता को बारीक बारीक मिक्सी में चला लिया था, और वो जो हमने पेड़े जैसा बनाया उसमें हम बीच में पिस्ता लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम भी कर सकते हैं। अब मैंने अपने माइक्रोवेव को 150 डिग्री पे प्री हीट किया और 15 मिनट्स के लिए इसे बेक करूँगी। आप चाहें तो इस पर गैस पे या इडली कुकर पे भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में दे रखी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी कि गैस पे कैसे इनको सेकना होगा। ये देखिए बिस्किट बनके रेडी हो गए। इसे सिकने के बाद हमें रूम टेम्परेचर पे आने पर इसे प्लेट में खाली करना होगा, वरना हमारे बिस्किट्स बिखर सकते हैं। गैस पे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है, और इसकी सिकाई भी बहुत अच्छी हुई है। बिना सोडे के भी हमारे बिस्किट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ट्राई माई रेसिपी।